बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 6 के यूनिट नंबर 7 लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। और आज है हमारे पास लेसन नंबर 3। हमारा आज का एसएलयू है एक्सरसाइज 7.1। लेसन प्लान अटैच है, टीचर और स्टूडेंट्स इससे फायदा ले सकेंगे। तो हम चलते हैं, टुडेज कॉन्सेप्ट इज एक्सरसाइज 7.1। यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1, राइट द ईच सेंटेंस एज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। हर सेंटेंस को इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिखना है। ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर को किया ट्वाइस, टू टाइम डिक्रीज्ड बाय 29, माइनस 29 इज 7, इज इक्वल टू 7। तो ये क्वेश्चन बन गई आपकी। ओके, अगेन 12 इज द 6 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम अ नंबर 6 लेस, 16 लेस इज इक्वल टू 12। ओके, 30 2 इज द ट्वाइस अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, ट्वाइस अ नंबर इंक्रीज बाय 8 इज इक्वल टू 30। ओके, 32 सॉरी, तो 32 था। तो ये एक्सप्रेशन बन गई हमारी, इक्वेशंस बन गई सेंटेंसेस से। राइट द ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ सेंटेंस, बोलूंगा लिखेंगे आप खुद। अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 13 इज 24, a number increased by 13 is 24, 25 time a number is 200, okay, a number increased by 43 is 82, a number decreased by 18 is 43, 350 decreased by a number is 280, 15 decreased by a number is 3, 40 is the increased by 10 of a number, 40 is the number increased by 10, या फिर इसको पढ़ें कि a number increased by 10 is equal to 40, ओके, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 8 एंड डिवाइडेड बाय अ नंबर इज इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट 8 बाय 1 या 8 डिक्रीज्ड बाय 1 एंड डिविजिबल बाय अ नंबर इज इक्वल टू 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर द ट्रू फॉल्स। तो हमने देखना है कि कौन सी इक्वेशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। थ्री बाय माइनस 7 इज इक्वल टू 0, हमने 7 बाय 3 यहाँ पे पुट करना है। अगर हम यहाँ पे 7 बाय 3 पुट करते हैं तो 3y की जगह पे 7 बाय 3 माइनस 7, ये 3 से 3 कैंसल, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इट्स ओके, ट्रू। इस तरह से आपने ये गिवन नंबर्स अननोन वैल्यू जो कि अल्फाबेट होगा एम एच जो भी है उसमें पुट करके देखना है। अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ जाए तो ट्रू है, अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा, जैसे कि यहां पे है 4/5 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 1 है और माइनस 1, तो देखते हैं सॉल्व करके ये आ जाएगा 4/5 माइनस 1 That is माइनस 1/5। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो सॉल्व करने से अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ जाएगा तो आप कहेंगे कि वो ट्रू है, अगर वो नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 7.1 इख्तिताम को पहुंची। रैप अप है हमारे पास, रिकग्निशन ऑफ द एक्सरसाइज 7.1। क्लास वर्क में यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एंड 2 का पार्ट 8 है और एक्सरसाइज 7.1, और आपने ले लिया अपने टीचर से हेल्प
और क्लास के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो फिर हम जल्दी से चलेंगे आगे, तो जल्दी से कर लीजिए प्लीज। और अब हम चलते हैं आगे, तो आगे नेक्स्ट हमारे पास होंगे कुछ होमवर्क, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, 4 एंड 5 एक्सरसाइज 7.1। ये आपने घर पे करना होगा, इसके लिए आपके पेरेंट्स घर पे प्रेजेंट हैं, अगर कोई मुश्किल हो तो उनसे हेल्प ले लीजिएगा। और इस तरीके से हमारा हम जाएंगे अब नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे हमारे पास है लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हमारा आज का ये लेसन इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।